नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे वेजिरेक्स ओपन कर लिया हुआ है। क्यों ओपन किया हो भैया, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्यों ओपन किया है। देखिए होता क्या है कि आप लोग वेजिरेक्स पे ट्रेड करते हैं, लेकिन जो भी वेजिरेक्स पे नया चार्ट इंटीग्रेट हुआ है तो उसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नए हैं क्रिप्टो में, तो चार्ट कैसे देखा जाता है, आप बिना चार्ट देखे किसी के कहने पे जो है कि यहाँ पे जैसे प्राइस चेंज होगा 15% 20%, यहाँ पे आप देखिएगा फिलहाल अभी मार्केट पूरा क्रैश है, पूरा डाउन चल रहा है 18-20%। तो जैसे आपको यहाँ पे प्रॉफिट ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो आप क्या करते हैं ना, बाई कर लेते हैं। बिना चार्ट देखे आप बाई कर लेते हैं, कि हो सकता है कि वो अगर आप चार्ट देखते तो आप बाई ना करते, क्योंकि वो हो सकता है ऑल टाइम हाई को दोबारा वो टच कर रहा हो, वहां से प्राइस जो है कि वहां से डाउन आने वाला हो, और आप क्या हो गया यहाँ पे हाई पे एंट्री कर ले तो प्राइस जो है डाउन हो जाता है। तो आपको चार्ट देखना चाहिए। और आज मैं आपको वेजिरेक्स पे जो चार्ट अभी नया वाला इंटीग्रेट हुआ है तो वो मैं आपको पूरा एक एक प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि एक एक जो पॉइंट है उसको आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं किसी भी कॉइन का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सी बाइनू का चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ भैया, सी बाइनू। ठीक है, ये चार्ट ओपन हो गया पूरा। अब यहाँ पे जितना भी फंक्शन दिया गया है तो आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट। पूरा वीडियो आप देखिएगा, मिस मत करिएगा। आप बहुत सारी चीजें आपको छोटी छोटी नहीं पता होंगी, इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये भी चार्ट चल रहा है। यहाँ पे देखिए दो कैंडल दिख रहा है, ये रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। जब रेड कैंडल बनता है तो मार्केट होता है डाउन आता है, जब ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट अप जाता है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बाकी और जो फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये चार्ट चल रहा है इसको आप यहाँ से इसे स्लाइड करेंगे लेफ्ट राइट, तो ये लेफ्ट राइट मूव होगा। अगर आप इसको टू फिंगर्स अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह से बड़ा होता जाएगा, और अगर आप स्ट्रेच कम करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कवर करना है एरिया तो आपको इसे छोटा करना पड़ेगा, अगर आपको और बड़े में देखना है तो आपको इसे स्ट्रेच करना है, तो ये जो चार्ट है पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे ये वाला जो पूरा पैनल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप इस पे उंगली रख के अगर आप उसको ऊपर ऐसे खींचेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये चार्ट जो है ना कि बड़ा होता चला जाएगा। अगर आप इसको छोटा कर नीचे खींचेंगे तो ये जो चार्ट है आपका ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, और इसको टू फिंगर से बीच स्क्रीन में ऐसे स्ट्रेच डाउन करिए, कहने का मतलब चिकोड़िए उसको, तो ये चार्ट जो है और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा चार्ट एक पेज में ही देखने को मिल सकता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से उसको थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, तो ये आपको ये क्लियर दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपको दिए हैं, 1 घंटे का, 1 आवर्स है, कैंडल दिया गया, इंडिकेटर वगैरह दिया गया है, ये सब कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो 1 आवर्स दिए इसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन और 1 वीक तक का आपको दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये पीरियड होता है कैंडल का, जो चार्ट पीरियड है ये आप यहाँ से टाइमिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 घंटे का भी सेलेक्ट है, यहाँ पे अगर मैं 4 घंटे का सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये जो एक कैंडल आपको दिखेगी चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, वो उसका जो टाइम पीरियड होगा कितने का, 4 घंटे का होगा। ठीक है, कोई भी कैंडल हो चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, एक कैंडल उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 4 घंटे का होगा। अगर मैं यहाँ से जाके इसको मैं 1 मिनट का सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से 1 मिनट का, तो जो भी कैंडल आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, तो जो ये लास्ट वाला जो कैंडल बन रहा है, ये वाला लास्ट वाला, ये 1 मिनट में क्लोज होएगा, उसके बाद दूसरा वाला कैंडल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए 20:40 हो रहा है, 41 पे ये क्लोज हो जाएगा और 42 पे जो है कि दूसरा वाला कैंडल यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 1 दिन का अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं तो जो एक कैंडल बनेगा वो एक दिन का होगा। आप यहाँ पे ऐसे देखिए, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ऐसे वैसे बड़ा मैंने कर दिया। यहाँ पे देखिए अब जो कैंडल बना हुआ है वो एक एक दिन का कैंडल बना हुआ है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि ये पूरे चार्ट में, ताकि ये पूरे पेज में दिखने लगेगा। अब देखिए जो सी बाई नू का प्राइस है, एक टाइम यहाँ पे था, एक टाइम हाई यहाँ पे टच कर दिया, पूरा जो एरिया है वो एक ही पेज में कवर हो चुका है क्योंकि मैंने उसको छोटा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे कैंडल बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जो चार्ट के जो बार्स हैं उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे लाइन वाला चार्ट है इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपका ये चार्ट है वो इस तरह से लाइन लाइन आपको इसे दिखेगा। और दूसरा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी वेरायटी, अगर एरिया वाला सेलेक्ट कर देते हैं तो जो आपका ये चार्ट है ये आपका इस तरह से दिखने लगेगा। और जो है मैक्सिमम सभी लोग कैंडल बार का ही यूज करते हैं तो ये सबके लिए समझना आसान हो जाता है। इसमें ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आप चले जाइए। मोस्टली लोग जो है कि वैल्यूम इंडिकेटर यूज करते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यूम पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूम आ चुका है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूम आ चुका है, ये सारा जो है कि वैल्यूम हो गया। वैल्यूम का मतलब होता है कि एक टाइम में जितना भी बाइंग और सेलिंग होता है उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसको जोड़ दिया जाए तो एक टाइम में वो वैल्यूम बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब
अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है यहाँ पे बड़ा मतलब काफी बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल बन रहे हैं। बड़े बड़े कैंडल मतलब ये है कि इस टाइम जो है आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो मार्केट जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ था। फ्लक्चुएट का मतलब ये है कि उस टाइम बाइंग और सेलिंग का जो अमाउंट था वो काफी बड़ा था, ठीक है, इसलिए जो मार्केट सीधा ऊपर यहाँ पे गया है। और बाकी यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं तो यानी जो वैल्यूम है बहुत कम, आप देखेंगे तो वैल्यूम भी बहुत कम है। यहाँ से ग्रीन ग्रीन बना तो यहाँ पे सीधा ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना है तो इसके सीधा ऊपर देखेंगे तो मार्केट नीचे आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कैंडल जो है ग्रीन बनता हुआ दिखेगा तो जो मार्केट का जो कैंडल वो अभी ग्रीन बनकर ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, और वैल्यूम अगर रेड बनेगा तो मार्केट भी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, उसमें रेड कैंडल आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। ये हो गया। अब आप इस पे वैल्यूम को भी आप सेटिंग कर सकते हैं। कैसे, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन, इस पे आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो वैल्यूम है इसको अगर अनटिक कर देंगे तो वैल्यूम हट जाएगा, टिक कर देंगे तो वैल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉलिंग एंड ग्रोविंग है, फॉलिंग वाला जो है वो रेड से दिखाया गया और ग्रोविंग वाला वो हरे से दिखाया गया है। इस पे आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ओपेसिटी है, इसको अगर आप स्लाइड कर देंगे तो जो विजिबिलिटी है इसकी लो हो जाती है। अब ग्रोविंग वाला भी यहाँ पे हम जो है ये ग्रीन वाला भी इसको विजिबिलिटी जो है हम यहाँ पे कर देते हैं तो विजिबिलिटी वो लो हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कर दिया ओके। अब देखिए यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कम दिख रही है, बाकी यहाँ पे जो कैंडल वाला है ये विजिबिलिटी इसकी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। ये हो गया। बहुत सारे इंडिकेटर जो होते हैं कि आपको जानना पड़ेगा, मैं वीडियो धीरे धीरे बनाता रहूँगा। यहाँ पे एक इंडिकेटर आपको सर्च करना है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे एक इंडिकेटर लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाली लाइन है वो 70 इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है इसको 30 बोलते हैं। कहने का मतलब जब यहाँ पे देखिए मार्केट ये चल रहा है, ठीक है, ये जो मार्केट होता है जब इसके 70 लाइन के ऊपर होता है तो बोलते हैं कि ओवरबॉट हो चुका है, और जब ये मार्केट चलता हुआ नीचे आ जाता है 30 के तो मार्केट बोलते हैं कि ओवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है, वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। इस तरह से होता है, अगर यहाँ पे ऊपर चल रहा है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना होती है, इस तरह से काम करता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करके मतलब इसको होल्ड करना, होल्ड करके अगर आप इसको नीचे खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अगर ऊपर करेंगे तो जो आपका RSI इंडिकेटर है ये छोटा बड़ा यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया है और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे नीचे कर दे रहा हूँ, ये हो चुका है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेटिंग के ऑप्शन पे आपको जाना है। देखिए सिंबल का जो सेटिंग है, सिंबल कहने का मतलब जो आपका ये जो कैंडल है उसको हम सिंबल बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बॉडी है इसको अगर मैं हटा दे रहा हूँ तो जो बॉडी है वो खाली हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बॉडी है वो खाली हो जाएगी, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ बॉडी पूरी भर जाएगी। ये बॉर्डर है, बॉर्डर मैंने हटा दिया, तो ये जो बॉर्डर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मतलब बॉर्डर का मतलब क्या है। यहाँ पे जो विक है, विक में हटा दिया तो जो ऊपर डंडी निकली हुई होती है वो हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए लास्ट प्राइस है, लास्ट प्राइस अगर मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे हटती हुई नजर आ रही होगी, यहाँ पे एक लाइन जो है हट रही है। हट के कहने मतलब कि मार्केट एक टाइम यहाँ पे लास्ट प्राइस यहाँ पे चल रहा था इस वाली लाइन पे, आप यहाँ पे देखेंगे इस पे मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हाई एंड लो प्राइस लाइन, यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए दो लाइन आ रही है, एक यहाँ पे ऊपर आ रही है एक यहाँ पे नीचे आ रही है। कहने मतलब इस पेज में यहाँ तक मार्केट हाईएस्ट था और यहाँ तक मार्केट लोवेस्ट था, इसका मतलब ये होता है। अगर आप इसको विजुअल कर देंगे तो यहाँ पे हाई और लो दिखाने लगेगा। एवरेज वाला क्लिक कर देते हैं तो एवरेज जो प्राइस है आपका यहाँ पे चल रहा है, देखिए यहाँ पे एक लाइन और विजुअल हो रही है यहाँ पे, तो एवरेज प्राइस जो होता है यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसको मैं अभी हाइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम जोन दिया गया है, टाइम जोन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आप जाहिर सी बात है आप यहाँ पे देखिए 5.5 घंटे वाला जो प्लस है UTC टाइम से कोलकाता का, उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे इसको ओके कर सकते हैं। फिर और भी सेटिंग का बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे स्टेटस लाइन आपको दिख रहा है, सिंबल अगर आप ये कर देते हैं, देखिए यहाँ पे चीज़ें हट रही ना, CBINU का जो चार्ट है यहाँ पे CBINU लिखा हुआ है ये हट रहा है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद OHLC वैल्यूज है, इसको अगर आप अनटिक कर देंगे तो यहाँ से वो हट जाएगा। ये सब सारी सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को अगर आप यहाँ से स्लाइड कर देंगे ये हल्का डार्क हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है आपका वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्केल का ऑप्शन मिलता है, स्केल के ऑप्शन पे आप जाने के बाद हाई एंड लो प्राइस लेवल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस था आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि हाईएस्ट कितना गया था, और लोवेस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लोवेस्ट कितना गया था, इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद एवरेज क्लोज प्राइस अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए एवरेज क्लोज जो प्राइस है वो भी यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर नेम लेवल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे देखिए RSI दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यूम का है, यहाँ पे वैल्यूम आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब इस पे कर देंगे इंडिकेटर लास्ट वैल्यू लेवल पे तो जो वैल्यू में आपको यहाँ पे दिख रहा है 119 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद RSI अभी कितने पे चल रहा है, 41 पे चल रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप इस पे जाते हैं तो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पीला कर देंगे तो पूरा आपको जो बैकग्राउंड है येलो हो जाएगा। इस तरह से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको जो है कि ब्लैक कर दे रहा हूँ। इस तरह से ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ पे वर्ट ग्रिड लाइन है, अगर इसको आप यहाँ पे ओपेसिटी अगर बढ़ाएंगे तो आपका जो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं क्लिक करके इसको ओपेसिटी में बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक तरह से टेबल जो कॉपी होती है उस तरह से आपको यहाँ पे लाइन आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको जो है कि ओपेसिटी इन दोनों की कम कर दे रहा हूँ, इनकी मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं समझ में आ रही है। स्केल लाइन है, स्केल लाइन को अगर आप जिस तरह से करना चाहेंगे, आप देखिए स्केल चेंज हो रहा है, ठीक है। पूरा ये जो पेज है उसमें जो स्केल लाइन है वो चेंज हो रहा है। बाकी और जो ऑप्शन है उसका कोई विशेष मतलब नहीं है, फिलहाल अभी इतना मैं रहने देता हूँ। ये चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप अब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होंगी कि चार्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं वेजीरेक्स में, और चार्ट का यूज करके हम अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और प्राइस जो है कि डाउन हो गया, ठीक है, तो उसका अगर आप यूज करके करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट का रेशियो वो ज़्यादा होगा और लॉस का जो है रेशियो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को मेरे इंतजार करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।